मुंबई के कई इलाकों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। ऐसे में मुंबई पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे तटीय इलाकों में ना जाएं। इसके साथ ही ये भी अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से ना निकले। दरअसल मुंबई में भारी बारिश के कारण जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है अब, जिससे ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। मुंबई पुलिस ने एक्स पर अपील करते हुए लिखा, मुंबई में हो रही भारी बारिश को देखते हुए नागरिकों से अपील की जाती है कि वे तटीय इलाकों में ना जाएं और जरूरत पड़ने पर ही घर से निकले। कृपया एहतियात बरते और आपात स्थिति में 100 नंबर पर डायल करें। आपको बता दें, मौसम अच्छा होने के कारण पर्यटक भी मुंबई पहुंच रहे हैं और वे यहां के अलग अलग टूरिस्ट पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। हालांकि आज संडे हैं, लोग ज्यादातर घरों से बाहर निकल रहे हैं। इनमें से आपको बता दें, नरीमन पॉइंट और मरीन ड्राइव जैसे तटीय इलाकों भी हैं जहां पर्यटकों की भीड़ जुट जाती है। लेकिन प्रतिकूल मौसम के दौरान समुद्री इलाकों में जाना खतरे से खाली नहीं होता है, इसलिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस लोगों को वैसे इलाकों से दूर रहने की सलाह दे रही है। वहीं एक इलाके में रिहायशी मकान का एक हिस्सा ढह गया था। आपको बता दें, लगातार हादसों का दौर जारी है। वहीं मुंबई के जुहू तट पर भी भारी पुलिस बंदोबस्त है, लोगों को समुद्र से दूर रख रही है पुलिस। वहीं मरीन ड्राइव में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कुछ ही देर में दादर पहुंचने वाले हैं। जगह जगह भारी जल जमाव देखने को मिल रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से।